हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसमें वीडियो में देखेंगे, आज हम इस आपको बताएंगे कि मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना होता है। दोस्तों, ये बहुत सारा सवाल क्वेश्चन कोई करता है। आप एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर 2 स्टोरी हो या 3 स्टोरी हो या ग्राउंड फ्लोर ओनली हो तो उसका डेप्थ जो है कितना होगा, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे एक मज़ेदार वीडियो लाए हैं दोस्तों, जो आज अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि फाउंडेशन कितना लेना है और कितना कैसे लेना है लोड के अनुसार। दोस्तों, इसी के बारे में चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा अगर होगा दोस्तों, तो लाइक कीजिए वीडियो को, एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू फाइंड आउट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। The minimum depth of foundation for a soil can be calculated using the following formula as suggested by Rankine. तो दोस्तों, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को जो है निकालने के लिए Rankine जो है फॉर्मूला दिया है, देख लेते फॉर्मूला। डी मिनिमम मतलब डेप्थ, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, पी बाई डब्ल्यू। पी जो होता है आपका पूरा लोड, स्ट्रक्चर का लोड, डब्ल्यू जो हो गया आपका दोस्तों डेंसिटी ऑफ यूनिट वेट और सॉइल ऑफ सॉइल यूनिट यूनिट वेट का सॉइल का यूनिट वेट। उसके बाद दोस्तों 1 माइनस साइन कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एंगल का होल स्क्वायर। तो इसी से जो है हम लोग जो है दोस्तों इसी फॉर्मूले के बेसिस से जो है हम लोग सारे मिनिमम डेप्थ फाउंडेशन जो है जितना भी जो भी बिल्डिंग होगा जो भी कंस्ट्रक्शन होगा इसी के तौर पर इसी के बेसिस से हम लोग जो है फाउंडेशन निकालेंगे। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी मिनिमम जो है दोस्तों इसको कहते हैं मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन मीटर क्यू। तो दोस्तों, पी जो है इसको कभी क्यू भी कहा जाता है, कहीं पे क्यू भी लिया जाता है, डब्ल्यू जो है कहीं पे जी भी लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि क्यू पी कहीं पी माना जाता है कहीं क्यू। इन डेंसिटी ऑफ लोड जो आपका स्ट्रक्चर का हो पूरा लोड, और जी और डब्ल्यू जो होता है डेंसिटी ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल, सॉइल का यूनिट वेट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होता है, और लोड जो होता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों, एंगल एंगल ऑफ रिपोज जो होता है डिग्री में होता है, और इंटरनल फ्रिक्शन होता है एंगल, जैसे कि किसी भी मिट्टी का जो है उसका फ्रिक्शन होता है। दोस्तों, तो दोस्तों इसी फॉर्मूले के बेसिस से आप आसानी से कहीं भी किसी भी आप कंस्ट्रक्शन में या फिर स्ट्रक्चर का आप जो है बिल्डिंग हो या फिर किसी भी बिल्डिंग का आप आसानी से मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले के आधार से। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों, एक एग्जांपल लिया है ताकि आप इस एग्जांपल के थ्रू जो है आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है आपको आ जाएगा, कहीं भी आपको डाउट नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं। कैलकुलेट द मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर ए फाउंडेशन टू ट्रांसमिट ए फ्रेशर प्रेशर 58 kN/m² इन ए क्वेश्चन लेस सॉइल हैविंग डेंसिटी 16 kN/m³ एंड एंगल ऑफ रिपोज 20 डिग्री। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल लिया है जिसका जो है इसका लोड जो है टोटल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का 58 यानी 58 kg, और इसका जो है कोहेसन लॉस सॉइल का जो डेंसिटी है 16 न्यूटन/m², और एंगल जो है 20 डिग्री। तो इसी के बेसिस पे इसको बनाते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर या टोटल लोड ऑफ बिल्डिंग या टोटल लोड ऑफ कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर कह सकते हैं दोस्तों। तो 58 kg डेंसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल का डेंसिटी जो है आपका 16 kN/m³, एंगल ऑफ रिपोज है 20। तो इसी में मिनिमम डेप्थ फाउंडेशन था मिनिमम वही सेम। दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, बस आपको फॉर्मूला बैठाना है और फॉर्मूला के ऊपर जो है आपको आंसर फॉर्मूला में आपको गिवन डाटा यानी वैल्यू बैठाना है। दोस्तों, तो पी का वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ पे देख लिया है, गिवन डाटा दे दिया है, इंडस्ट्री पी का वैल्यू 58 दे दिए, नीचे जो डब्ल्यू का वैल्यू है देख लीजिए, डब्ल्यू का वैल्यू 16, तो नीचे 16 देते हैं, इनटू है ब्रैकेट 1 माइनस साइन 20 डिग्री जो है आपका थीटा एंगल है, तो 1 माइनस साइन 20 डिग्री डिवाइडेड 1 प्लस साइन 20 डिग्री उसका होल स्क्वायर, और उसके बाद जो है आंसर निकल गया 0.871 मीटर। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप आसानी से किसी भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपके पास आए फाइंड आउट करने के लिए डेप्थ ऑफ मिनिमम, तो आप आसानी से निकल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो दिए हैं 0.87, तो आईएस
456 2000 का अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार जो है आपको मिनिमम जो है 1 मीटर देना होगा दोस्तों। 1 मीटर किसी भी फाउंडेशन का डेप्थ जो है मिनिमम 1 मीटर। यहाँ पे हम बस एग्जेक्ट लोड लेके निकाले हैं, हो सकता है, लेकिन आपको मिनिमम 1 मीटर देना है। इतना भी आया है तो आपको 1 मीटर देना ही है, क्योंकि 1 मीटर पर जो है आपका कहीं एक स्टोर बिल्डिंग हो तो भी आप 1 मीटर में जो है आपका बिल्डिंग का लोड स्ट्रक्चर जो है सेफ रहता है। इसी के लिए जो है आई एस 456/2000 जो है मेंशन किया है कि मिनिमम 1 मीटर देना चाहिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इसी एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से एकदम इजी तरीके से समझाने का कोशिश किया है दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं क्वेश्चन है दोस्तों तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कॉमेंट करते हैं तो आपका आंसर जितना जल्दी हो सके मैं देने का कोशिश करूँगा जल्द दोस्तों। तो वीडियो यहाँ तक बस यही तक था दोस्तों। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। जहाँ भी आप अपना ख्याल रखें, और तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।